तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ अभय और आप देख रहे हैं अभय टॉक। दोस्तों कल एक बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। मैंने कल ही 12 बजे दिन में एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था कि आप व्हाट्सएप पर अपने स्वयं के स्टिकर्स को कैसे भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी गलती के कारण शाम को ये वीडियो डिलीट हो गया। और जब मैंने यूट्यूब को मेल किया और उस पर क्वेश्चन एंड आंसर्स को सर्च किया तो देखा कि आप यहाँ पर देखिए, स्पष्ट रूप से आपका स्क्रीन पर दिख रहा है कि डिलीटेड वीडियो कैन नॉट बी रेस्टोर्ड। मतलब साफ साफ है कि आप किसी वीडियो को अगर डिलीट कर देते हैं तो उस वीडियो को आप रेस्टोर नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही दुख के साथ मुझे इस वीडियो को दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अपने पिक्चर्स को लेकर के उसे स्टिकर्स के रूप में कन्वर्ट करके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कृपया इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दे दूंगा। आप इधर साइड बाय साइड स्क्रीन पर भी देखते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप इसे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको तीन ऐप्स की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ये तीनों ऐप्स हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसमें से एक है आपका मस्कर ऐप। मस्कर ऐप से आप तरह तरह के इफेक्ट वाली फ़ोटो ले सकते हैं। फ़ोटो फ्रेंड्स आप कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे वो आपके मोबाइल के रियर कैमरे से हो या फ्रंट कैमरे से हो या फिर मस्कर ऐप के द्वारा हो। तो फ्रेंड्स, मैं मस्कर ऐप को ओपन कर लेता हूँ और इससे एक आध पिक्चर ले लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसको आप देख रहे होंगे, इसमें जैसे ही आप माउथ को ओपन करेंगे तो एक इफेक्ट बन जाता है आंखों पर। मैं इफेक्ट बना करके एक इमेज ले ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है ओपन योर माउथ, तो मैं माउथ को ओपन कर लेता हूँ। मैंने पिक्चर ले लिया है, मैं इसे डन पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स, फिर से देख लीजिए कि इसमें अगर आप माउथ को ओपन करते हैं तो किस प्रकार से इफेक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से अभी पिक्चर ले लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक और पिक्चर ले लेता हूँ, मैं एक और पिक्चर ले लेता हूँ और ये वाला मुझे ज़्यादा पसंद है। ये बताता है कि आप जब बूढ़े होंगे तो आप किस प्रकार से दिखेंगे। तो काफ़ी मैं स्मार्ट दिखूंगा बूढ़ा होऊंगा, तो मैं इसका भी एक पिक्चर ले ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों का ही पिक्चर ले लिया है। अब मैं आपको बैकग्राउंड इरेजर को ओपन करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक बैकग्राउंड को इरेज नहीं करेंगे आपका स्टिकर बनेगा नहीं। तो स्टिकर बनाने के लिए आपको बैकग्राउंड को इरेज करना ही पड़ेगा। तो मैं बैकग्राउंड इरेजर को ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद लोड बटन पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, लोड बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने गैलरी से कोई भी पिक्चर्स ले लीजिए। जैसे कि मैं इस पिक्चर को ले ले रहा हूँ। इस पिक्चर को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, ये आपका बैकग्राउंड इरेजर में ओपन हो गया है। इसको आप जितना अधिक से अधिक क्रॉप कर लीजिए। मैं इसे भी क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद ऊपर डन बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको तीन तरह के कंट्रोल मिल जाते हैं। एक ऑटो इरेजर का कंट्रोल मिलता है, एक मैनुअल इरेजर का कंट्रोल मिलता है और एक आपको मैजिक इरेजर का कंट्रोल मिलता है। मैं आपको तीनों को थोड़ा थोड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं ऑटो इरेजर से। ऑटो इरेजर में क्या है फ्रेंड्स कि इसको ला करके आप कहीं भी स्क्रीन पर छोड़ देंगे तो आपका वो बैकग्राउंड को ऑटो इरेज कर देगा। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर लाकर इसको छोड़ दे रहा हूँ तो ये बैकग्राउंड को ऑटो इरेज कर दे रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है सेकंड नंबर पे मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर में फ्रेंड्स होता ये है कि आप जैसे जैसे इसको आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे, जैसे आप देख रहे होंगे कि आगे बढ़ाते जाएंगे और ये आपका ऑटोमेटिकली इरेज होता जाएगा। थर्ड नंबर पर आता है फ्रेंड्स मैनुअल इरेजर का। मैनुअल इरेजर में फ्रेंड्स होता ये है कि आपको पिक्चर को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आप देखिए, जैसे जैसे इसको आप आगे ड्रैग करते जाएंगे वैसे वैसे आपका मैन्युअली इरेज होते जाएगा। और मान लीजिए फ्रेंड्स कि कोई स्टेप आपका जैसे पिक्चर के अंदर तक अंदर घुस गया हो तो इसके लिए डोंट वरी, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर आपके पास रिपेयर का ऑप्शन आता है तो रिपेयर बटन पर क्लिक कर दीजिए। रिपेयर बटन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको जैसे जैसे इसको ड्रैग करेंगे वो चीज़ आपका रिपेयर वहाँ पर हो जाएगा। और फ्रेंड्स रिपेयर नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास ऊपर में आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर कि आपको अंडू का ऑप्शन मिल जाता है। अंडू बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आप अपने पीछे चले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मैंने इसके बैकग्राउंड को पूरी तरह से इरेज कर लिया है। अब आपको सिंपली ऊपर डन बटन पर क्लिक कर देना है। डन बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एजेस को काफ़ी स्मूथ कर सकते हैं। जैसे 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, आप जितना ही ज़्यादा बढ़ाएंगे आपके एजेज उतने ही ज़्यादा स्मूथ होते जाएंगे। तो मैं 5 पर कर दे रहा हूँ और सिंपली आपको ऊपर से बटन पर क्लिक कर देना है।
फ्रेंड्स सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर यह ऑप्शन मिलता है। फ्रेंड्स इसको आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जेपीजी में सेव कर देंगे तो आपका स्टिकर नहीं बनेगा, बिल्कुल फोटो की तरह जाएगा, उसमें बैकग्राउंड आपको ब्लैक नज़र आएगा या फिर जो बैकग्राउंड आप दिए रहेंगे वो बैकग्राउंड नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली ऊपर फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। फिनिश बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो फोटो था वो गैलरी में सेव हो गया है। फ्रेंड्स उसके बाद आपको स्टिकर भेजने के लिए इस 3 नंबर की ऐप की आवश्यकता होगी, जिसका नाम है पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सअप। फ्रेंड्स इन 3 ऐप्स का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको स्टिकर भेजने के लिए कम से कम 3 या 4 फोटो का बैकग्राउंड इरेज करके उसे PNG में सेव कर लेना चाहिए। PNG का मतलब है जिसके बैकग्राउंड का आपने इरेज कर दिया है, क्योंकि 3 से कम फोटो के ये ऐड नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सअप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो भी गैलरी में आपने स्टिकर सेव रखे हैं उन सभी का एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैंने 5-6 स्टिकर्स को सेव करके रखा हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं सिंपली यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको व्हाट्सअप बटन पर क्लिक कर देना है। व्हाट्सअप बटन पर क्लिक करने के बाद सिंपली ऐड बटन को क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स अब सारे ये स्टिकर्स आपके व्हाट्सअप में ऐड हो चुके हैं। मैं आपको अब व्हाट्सअप खोल करके दिखा दे रहा हूँ कि व्हाट्सअप में कहाँ पर ऐड हुए हैं। तो व्हाट्सअप खोलने के बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको करना ये है कि ये जो आप गोल वाला देखते हैं जहाँ से कि आप कोई भी चीज़ को इमोजी भेजते हैं, तो यहाँ पर आपको आने के बाद नीचे में जो आप ये देख रहे होंगे 3rd नंबर का ऑप्शन, उसे आप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स ऊपर में जो पहला ऑप्शन है वो पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरे वाले पर जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे 6 स्टिकर्स आपको दिख जाएंगे। फ्रेंड्स भेजने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको एक एक पर टैप करते जाना है और ये सभी स्टिकर्स आपके सेंड हो जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल सारे स्टिकर्स सेंड हो गए और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स ये वही स्टिकर्स है जिसे कि हमने अभी अभी बनाए हुए थे। तो फ्रेंड्स इन सब का स्टेप एक बार फिर से आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपको मस्कार ऐप ओपन कर लेना है, जिसके द्वारा आप तरह तरह के फोटो ले पाएंगे। फोटो चाहे तो आप अपने मोबाइल के कैमरे से भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको बैकग्राउंड इरेजर ऐप की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि आप अपने फोटो का बैकग्राउंड को इरेज करके उसे PNG में सेव कर सकते हैं। और PNG में सेव करने के बाद फ्रेंड तीसरे जो ऐप की आवश्यकता होती है उसका नाम है पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सअप। पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सअप को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास सारे स्टिकर्स के लिस्ट दिख जाएंगे। आपको जो भी स्टिकर्स को व्हाट्सअप में ऐड करना है वो सिंपली ऐड बटन पर क्लिक करके आप उसे व्हाट्सअप में ऐड कर सकते हैं, और व्हाट्सअप में जा करके आप उसे आसानी से स्टिकर्स के रूप में सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि वीडियो आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।